हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से पॉइंट पर। देखिए, छोटा सा पॉइंट ये है कि बीएससी के एग्ज़ाम को पास कैसे करें। 2021 में बीएससी के एग्ज़ाम को पास करने की कुछ टिप्स हैं, वो मैंने आपको पहले भी बता दी है और आज फिर से बता रहा हूँ आपको। उन्होंने यदि आपको देखिए, पहली बात ये है कि यदि आपको कुछ भी नहीं आता है ना, फिर भी आप पास कर जाओगे। तो उन टिप्स हैं, उनको एक एक को यहाँ पर देखिएगा, बोर्ड पर बताऊँगा मैं, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि बीएससी एग्जाम 2021 पास कैसे करें। आपका सभी का क्वेश्चन होता है कि बीएससी एग्जाम 2020 कैसे पास करें। तो देखिए, मैं आपको तीन तरह के कैंडिडेट होते हैं, तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं बीएससी के अंदर। एक स्टूडेंट होता है जो सिर्फ पास करना चाहता है, एक होता है जो टॉप करना चाहता है, एक होता है जिसकी भाई 60+ बन जाए मेरी। तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं बीएससी में। पहला है टॉप करना चाहता है, पहले स्टूडेंट होते हैं जो टॉप करने की सोचते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं पास करने की सोचते हैं। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट आते हैं वो सोचते हैं कि मैं पास कर जाऊं, बस इतना ही काफी है। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, यार मेरी 60% बन जाए तो मैं कुछ आगे जो एग्जाम है उनमें फॉर्म भी भर सकता हूँ। तो जिसको बैचलर की डिग्री चाहिए वो पास कर सकता है, जिसको आगे फॉर्म भरना है, आगे कुछ तैयारी करनी है, उसको 60% चाहिए, और जिसको अच्छे से परसेंटेज बनानी है उसको टॉप करना है। तो देखिए, इनकी मुख्य बात ये है कि सबसे पहली बात आपको बीएससी एग्जाम 2021 में पास कैसे करें, तो एक कॉफी में लिखने का तरीका होता है, वो मैंने बता रखा है। उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखिए, पहला जो पॉइंट है बीएससी 2021 में पास करने के लिए, पहला पॉइंट है वो ये है कि अदर क्वेश्चंस। देखिए, पहली बात ये है कि आप किसी भी जो एग्जामिनर है उसको बिल्कुल बेवकूफ ना बनाए हैं कि आपको, जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है और आप फिजिक्स का वहां पर आंसर दे रहे हैं, ये करोगे तो एग्जामिनर आपका बिल्कुल पूरा क्वेश्चन गलत निकालेगा। तो ये बात बिल्कुल नहीं करनी है कि अदर क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है। जैसे केमिस्ट्री है, उसके अंदर आपको आता है, आप सोच रहे हो फिजिकल का, मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री का ये आंसर आता है, इसको केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ठोक देता हूँ, नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन है, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई दूसरा टॉपिक है उसको लिख सकते हो, वहां से आपको नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। दूसरा है सॉल्वर पेपर। देखिए, दूसरे नंबर का जो टॉपिक है ये, देखिए आपका सिलेबस है बहुत ज्यादा है, कवर करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्वर पेपर, पिछले वर्षों के सॉल्वर पेपर लेने हैं और उनको एक बार देखना है, सभी को देखना है, आपको खुद को स्वयं को अनुभव हो जाएगा, यार मैं पास कर सकता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं, आप सभी को एक बार सॉल्वर पेपर देखोगे तो आपको सभी को पता चलेगा कि यार क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं। जैसे कि आप देखना, पिछले पेपर उठा के देखना, उनमें क्वेश्चन, जैसे कि कोई क्वेश्चन 2017 में आ रहा है तो वो 18 में आएगा, 19 में आएगा, लगातार दो दो साल तक रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो एक बार उन क्वेश्चनों को जाके देखिएगा, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो सॉल्वर पेपर यदि आप पढ़ लेते हो पिछले साल के, तो आप पास करोगे, बीएससी पास कर जाओगे। जो पास करने का लक्ष्य रखते हैं वो सॉल्वर पेपर से पास कर सकते हैं। वो जो पूरा सिलेबस है उसको नहीं पढ़ना है, आपको सॉल्वर पेपर क्लियर करना है, पास कर लोगे। आगे देखिए, तीसरा है बुक रीडिंग। देखिए, यदि आपको टॉप करना है या फिर 60% से ऊपर बनानी है, तो आपको क्या करना है, एक बार अपने सिलेबस को उठाइएगा, सिलेबस को उठाकर जो बुक, जैसे कि आपने केमिस्ट्री की बुक उठाई, उसको पूरी को पढ़ लेना है। केमिस्ट्री को क्या करना है, पूरी को पढ़ लेना है, बुक को पढ़ लेना है, ये नहीं देखना है मेरे को याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको एक बार क्या करना है, पूरी को पढ़ लेना है। और फिर अपन सोल्व पेपर उठाएंगे, उसको पढ़ के छोड़ दीजिए और फिर सोल्व पेपर उठाइएगा और उनको हल करने के लिए बैठिएगा। जब आप कोई सोल्व पेपर का क्वेश्चन एक उठाओगे तो आपको याद आएगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन बुक के अंदर पढ़ा था, तो फिर जैसे कि माइंड की कनेक्टिविटी वहां से होती है, तो क्या पढ़ा था ये भी पता चलेगा, क्या पढ़ा था इसके अंदर, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक तो सॉल्वर पेपर एवं बुक रीडिंग, बुक को पढ़ना है और फिर जाके आप टॉप भी कर सकते हो। रीडिंग एक बार बुक को, जो टॉप करने वाले बच्चे होते हैं वो यही करते हैं, एक बार बुक को पढ़ते हैं, फिर सॉल्व पेपर निकालते हैं, फिर बुक को पढ़ते हैं और फिर नोट्स वगैरह कुछ भी अपने पढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्या है कि 5-year-old पेपर, जो पिछले सालों के पेपर हैं उनको जरूर क्लियर कर लेना है। पिछले साल के जितने भी पेपर हैं, 5 साल के, पिछले 5 वर्षों के पेपर हैं, उनको एक बार आपको क्या कर लेना है, हल करना है, जिससे कि आपको अनुभव हो कि किस टाइप का एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप का नहीं पूछता है, जिससे कि आपको अनुभव हो कि किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। सही है, 5-year-old पेपर आपको जरूर एक बार निकाल लेना है, उनको एक बार याद कर लेना है हल्का हल्का। अब देखिए, एक जो सबसे मोस्ट ट्रिप्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप्स है, ये ना करें, अनुभव,
एवं कॉन्फिडेंस, अनुभव एवं कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं करें एग्जाम से एक महीने पहले आप कर जाओ कि यार मैं तो फेल होऊंगा, मैं पास नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। एक पॉजिटिव सोच रखनी है कि मैं पास होऊंगा, मैं चाहे से बिल्कुल कम नंबर से पास हूँ परंतु पास जरूर होऊंगा। आपको लक्ष्य बना के रखना है 60% का तो आप पास होंगे, और पास का रखोगे तो फेल होंगे, और टॉप का रखोगे तो 60% बनेंगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, यदि आप 60% को सोच के पढ़ते हो तो पास ही होगे, और पास आप ऐसे सोचते हो मैं पास हो जाऊँ तो आप फेल होंगे, इसलिए आपको सोचना है भाई मेरी 60% बने तो आप पास जरूर हो जाओगे, और जो 60% की सोचता है ना वो पास जरूर हो जाएगा। तो ये कि आपको क्या करना है, अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखनी है कि मेरे को पास होना है, मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं पास हो जाऊंगा। ये ना सोचें कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, एग्जाम में कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, ये सब आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है BSc एग्जाम में पास करने के लिए। अदर क्वेश्चन को ना लिखें, जो क्वेश्चन का आंसर है उसी को लिखें। यदि वो क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये नहीं है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिक्स का आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सोलर पेपर जरूर देखना है, पिछले 5 वर्षों के सोलर पेपर को हल कर लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, आपके 60% कोई नहीं रोक सकता है। बुक रीडिंग, किताब को एक बार पढ़ के जाना है, जिससे कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसका भी एक बार आ जाएगा वहाँ पर। चौथा है 5 ईयर ओल्ड पेपर, पिछले सालों के 5 वर्ष के पेपर जो है उनको एक बार याद कर लेना है। 5 है अनुभव, एक कॉन्फिडेंस रखना है कि मेरे को इस बार एग्जाम पास करनी है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपको एक और ट्रिक्स लेके आऊँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि कॉफ़ी में किस तरह से लिखें तो वो जाके देखिएगा। अगली आपको कोई भी डाउट है, किसी पे भी डाउट है, जैसे कि BSc में कॉफ़ी चेक कैसे होती है, टॉपर की कैसे बनती है, पास कैसे करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, सभी की मैं एक वीडियो के माध्यम से आंसर दूंगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।